डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कौशाम्बी जनपद पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पार्टी किसान विरोधी है, किसानों को भड़काने का काम करती है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जन्मजात किसान विरोधी, गाँव विरोधी, गरीब विरोधी पार्टी है। आगे कहा कि किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है कि वो इनके बरगलाने में ना आए। मोदी जी देश के किसानों के जीवन स्तर को बहुत ऊंचे पायदान पर ले जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को गृह जनपद स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। उन्होंने मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने 48.25 करोड़ की लागत से बनने वाले 51 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। मंच से कहा कि कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, हमारा प्रयास है कि हम विकास को हर उस क्षेत्र तक, हर उस गाँव तक ले जाएंगे जहाँ लोगों को इसका इंतजार है। परियोजना का शिलान्यास करने के बाद वह धाम दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। दर्शन के बाद वह 1/13 में शामिल होंगे। परियोजनाएं ऐसी थी जिनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, 75 करोड़ की लागत है और साथ ही प्रस्तावित तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें प्रतापगढ़ कौशाम्बी वाया धाता चित्रकूट को जोड़ने वाला एक और राजमार्ग प्रयागराज, ये प्रतापगढ़ कौशाम्बी और चित्रकूट को प्राप्त हुआ है। साथ ही यमुना जी पर, गंगा जी पर सेतु का निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। अन्य आरओबी 3 और घोषित किए गए हैं, तो अभी जल्दी बनेंगे। प्रयागराज शहर चौपटका से और एयरपोर्ट ट्रिपल आईटी से होते हुए चौपटका रेलवे एयरपोर्ट होते हुए कौशाम्बी तक के लिए लगभग 1,000 करोड़ की लागत की बहुत बड़ी परियोजना है, जिसमें प्रयागराज और कौशाम्बी दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा विकास होगा। अभी अंतिम रूप में है और हमारा प्रयास है कि हम विकास को हर उस क्षेत्र तक, हर उस गांव गली तक पहुँचाएँ जहाँ लोगों को प्रतीक्षा है। और मनी जी, दिल्ली में किसान जो है प्रदर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन कुछ जगह निर्धारित नहीं कर रही दिल्ली पुलिस। कौशाम्बी में हो, कौशाम्बी में कोई किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि ये किसानों के हित में लिया गया फैसला। कांग्रेस जो कोशिश कर रही है वह किसानों को भड़काने का, मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि कांग्रेसियों के चक्कर में ना पड़े। कांग्रेस जन्मजात किसान विरोधी, गरीब विरोधी, बुजुर्ग विरोधी, गांव विरोधी पार्टी है उसके, और सपा जो उनके सबके सहयोगी दल हैं वह सबके चक्कर में पड़ेंगे। तो आम तौर से उनको भड़काने का काम करेंगे और मोदी जी देश के किसानों के जीवन स्तर को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुँचा। घोटाला हो रहा है मुरतगंज के चंदवारी रोड से रायपुर तक 9 किलोमीटर ये बन रही है, जिसपे ना तो बांध बना हुआ है ना तो कोई ए और जे ड्यूटी पे है। जानकारी नहीं होगी, पूरी जानकारी करिए। विदाउट बांध कोई पीएमजेएसवाई की रोड बनी नहीं। प्रमाण दीजिए, कार्रवाई। बलरामपुर में पत्रकारों की हत्या हुई है, जिंदा जला के मारा गया, क्या उसमें मुकदमा दर्ज हो गया?